बट मैं पहले दिन से जीतने के लिए खेल रहा था। और जब आप मन में सोच के चलते हो ना कि विनर है विनर है, और विनर की तरह जब आप खेलते हो ना, तभी आप यहाँ पे पहुँच पाते हो। पहलका भाई का जाना मैं चाहता नहीं था कि वो जाएं, मैं चाहता था उस पर मतलब बात हो, बट वो चले गए। और कहता भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और मैंने भी तेरे लिए बहुत वोट्स किए हैं। मैंने कहा वाओ, तो मुझे अच्छा लगा, बट मैं उससे मिलना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। रिलेशनशिप वगैरह का नहीं बटा, बट मैं उसके साथ टाइम स्पेंड जरूर लग रहा था कि एक टाइम पे चमत्कार हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। बट ठीक है, अगर नहीं भी जीता, वहां तक पहुंचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं इंशा और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस 17 के फर्स्ट रनर अप अभिषेक कुमार। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक, पहले तो कैसा फील कर रहे हैं फर्स्ट रनर अप बनकर और बिग बॉस की ट्रॉफी के इतने पास आकर ट्रॉफी ना मिलना, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा कि यहाँ तक भी आया मैं, बट मैं पहले दिन से जीतने के लिए खेल रहा था। और जब आप मन में सोच के चलते हो ना कि तू विनर है विनर है, और विनर की तरह जब आप खेलते हो ना, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाते हो। तो यहाँ तक पहुँच पाना, इतने दिग्गजों को बीट करना, और मैं एज अ न्यू कमर, मैंने कुछ भी नहीं किया था, और उसमें भी यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। जैसे घर में हमने आपको काफ़ी अग्रेसिव देखा, एक अग्रेसिव इमेज थी आपकी, और काफ़ी थप्पड़ पड़े हैं घर पे जहाँ समर से लेकर तहलका तक। सो क्या बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बस जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। और तहलका भाई का जाना मैं चाहता नहीं था कि वो जाएं, मैं चाहता था उस पर मतलब बात हो, बट वो चले गए। बट वो मेरी वजह से नहीं, और भी उनकी 9 गलतियाँ दिखाई गई थी। और समर्थ को जो थप्पड़ मारा मैंने, वो भी मैं नहीं चाहता था वो लगे, बट वो रिएक्शन निकल गया जब उसने टिश्यू डाला, मेरे को पता नहीं चला कब मेरा हाथ उठ गया। वो अभी जब मुझसे मिला तो मैंने उसको सॉरी बोला, उसने सॉरी एक्सेप्ट किया और अच्छे से मिला, और कहता भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और मैंने भी तेरे लिए बहुत वोट्स किए हैं। मैंने कहा वाओ, तो मुझे अच्छा लगा कि उसने माफ़ कर दिया। सो घर के बाहर क्या समर्थ और ईशा से कॉन्टैक्ट में रहेंगे, क्या दोस्ती करना चाहेंगे, और साथ ही बात करें खानजादी की? तो जैसे कि आपका काफ़ी रोमांटिक एंगल नज़र आया खानजादी के साथ, और काफ़ी रोमांटिक नज़र आया अभिषेक, और खानजादी को आपने जाते जाते कहा कि बाहर मेरा वेट करना, तो क्या बाहर आकर मिलना चाहेंगे उनसे? पता नहीं, वो आई नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो है कहाँ। और लोग तो बोल रहे थे कि वेट कर रही है, कई लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं वेट कर रही है, तो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। और बाहर निकल के अभी मेरे पास फ़ोन आएगा, बात करूँगा, फिर उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बट मैं उससे मिलना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। रिलेशनशिप वगैरह का नहीं बटा, बट मैं उसके साथ टाइम स्पेंड जरूर करना चाहता हूँ। जैसे कि शो में आप सबको बोलते नज़र आए कि टनल तक छोड़ कर आऊँगा, उसके बाद आपने ये भी कहा कि आप मुनव्वर और ख़ुद को स्टेज पर देखना चाहते हैं, तो फाइनली वो हो गया और मुनव्वर शो की ट्रॉफी जीत गए। सो क्या बताना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि वो जीता, और बस लग रहा था कि एक टाइम पे चमत्कार हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। बट ठीक है, अगर नहीं भी जीता, वहां तक पहुंचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बट वो जीता है, आई एम वेरी हैप्पी। ओ मतलब अच्छा है वो इंसान, मुझे पसंद है वो इंसान। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपको माँ की आशीर्वाद के तौर पे चुन्नी मिल चुकी है, तो क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का बाहर आने के बाद? अरे मेरे पापा ने, अगर आपने फिनाले देखा तो रो रहे थे। तो जो मेरे को बोलते हैं ना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे फादर को जब आप देखोगे ना, पता चल जाएगा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत रो देता हूँ। तो वो यहाँ तक, वही कि हमारा बेटा एक क्राउड आर्टिस्ट था, मैं पंजाब में मैंने 400 गाने क्राउड में करे हैं, जूनियर आर्टिस्ट, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, पंजाब का नाम रोशन कर दिया, बहुत मेरे लिए और उनके लिए बहुत प्राउड की बात। बाहर आकर अभिषेक किस तरह का काम करना चाहेंगे और क्या फैंस को मैसेज देना चाहेंगे आपको यहाँ तक के सपोर्ट करने के लिए? बस थैंक यू सो मच। हाँ, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा कि फैंस नहीं, बस मतलब मैं इतना बड़ा बना नहीं, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वोट्स किए और इतना प्यार दिखाया, और आगे मैं जो कुछ भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, और आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ आपको पसंद ही आएगा जो कुछ भी मैं करूँगा। बाहर आपकी दोस्ती किनसे नजर आएगी, किनसे दोस्ती कंटिन्यू करना चाहेंगे आप घर के बाहर, और क्या करेंगे यहाँ से निकलकर? पहले तो फोन यूज करेंगे और किनसे मिलेंगे? फोन यूज करूंगा, फोन मैंने यूज नहीं किया। और फैमिली को तो मैं मिल लिया, दीदी, मम्मा पापा, जीजू, मेरे नेफ्यू, मेरी नीज 1 साल की हुई है, और मैं सिद्धि विनायक मंदिर
गोल्डन टेम्पल बता सकता हूँ जी, 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 जी। और अजमेर शरीफी, ये तीन जगह पे जाना चाहूँगा मतलब यहाँ से निकल के। थैंक यू सो मच अभिषेक। कैमरा पर्सन सुनील के साथ इंशा मलिक, E24 मुंबई।